अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है अमर फार्म्स के बारे में। मैं इनका एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ, ये मैं आज उनका दूसरा वीडियो शीप यानी मेंढों के बारे में डाल रहा हूँ। मैं उनके दोनों नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है इन मेंढों में तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो दिए हुए नंबरों पर। अब मैं आपको बताऊँगा ये जो मेंढे है, ये जो शीप है, इनका जो नस्ल के हैं, ये नस्ल को कहते हैं आविशान। ये आविशान जो ब्रीड है ये डेवलप की गई है राजस्थान में। ये एक्चुअली क्रॉस ब्रीड है दो राजस्थान की लोकल नस्लों की, गरोल और मालपुरा। ये पिछले 18 साल से इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे थे वहाँ के सेंट्रल जो यूनिट वाले हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं। और ये जो ब्रीड है इसकी खासियत है कि जब बच्चा इस ब्रीड में पैदा होता है तो वो 4 केजी के लगभग होता है और 3 महीने के होते होते वो 18 केजी का हो जाता है और 6 महीने में लगभग 27 से 30 केजी और 1 साल के अंदर मेंढा 40 किलो तक बढ़ जाता है। और भी ये जो नस्ल है आविशान, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो 60% टाइम इनके जो बेबीज़ होते हैं वो ट्विंस होते हैं, दो होते हैं, और 40% टाइम ये 3 बेबी देते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इस आविशान ब्रीड का। और ये फार्मर्स की जो आमदनी है, जो उनकी आय है, वो 1.5 गुना तक बढ़ा देता है सालाना। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रीड है इसको बनाने में 18 साल लगे और ये ब्रीड डेवलप की है CSWRI ने। CSWRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो राजस्थान में है, जो राजस्थान के अविका नगर गांव में है। ये जयपुर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। और इसके 3 और ब्रांच है CSWRI के, एक है हिमाचल प्रदेश में, एक तमिलनाडु में है कोदाईकनाल में, और एक बीकानेर में है। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टीट्यूट में लोग अलग अलग आविष्कार करते रहते हैं। तो वो आविष्कार में ये जो ब्रीड आई है अविका नगर की आविशान नस्ल, जो कि हैदराबाद में है। अगर कोई मेरा भाई इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट कर सकता है दिए हुए नंबर पे अमर फार्म्स को। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।